हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्ही फूड। आज की हमारी रेसिपी है कैप्सिकम की सब्जी। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ऑयल, जीरा, गरम मसाला, हल्दी, नमक, प्याज, टमाटर, आलू और शिमला मिर्च। सबसे पहले हम पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल के लेंगे। इसे गर्म होने पे हम इसमें जीरा डालेंगे, आधा चम्मच जीरा। जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला जब प्याज का हल्का सा रंग बदलने लग जाए तब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे और 1 चम्मच हल्दी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब प्याज और टमाटर हल्का सा पक जाए तब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, जितना हमें स्वाद के लिए चाहिए। जब हमारा मसाला पक जाए तब हम इसमें आलू व कैप्सिकम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद हम गैस को धीमा कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ढक देंगे ताकि ये स्टीम से पक जाए। उसके बाद हम 4 साथ को फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि हमारी सब्जी जो ऊपर है वो नीचे की तरफ चली जाए और अच्छे से पक जाए। ये प्रतिक्रिया हम थोड़ी थोड़ी देर बाद दोहराते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। सब्जी को लगभग 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाने के बाद अब हम इसमें आलू और शिमला मिर्च को थोड़ा सा दबा कर देखेंगे। अगर हमारी सब्जी तैयार हो गई हो तो हम गैस बंद कर देंगे, नहीं तो हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और धीमी आंच पर पकाएंगे। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। फॉर मोर रेसिपीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल नन्नी फूड। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं नन्नी फूड पर। थैंक यू।